दोस्तों, अगर आप भी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत वर्कआउट करते हैं, फिर भी आपकी बॉडी नहीं बन पा रही, तो बॉडी आपकी क्यों नहीं बन पा रही, कौन से आप गलती करते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी नहीं बनती, तो हम इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, जो सबसे पहली गलती है वो है आपकी कि आप वर्कआउट जाने के तुरंत पहले कुछ खाना खाते हैं, कुछ नाश्ता करते हैं। दोस्तों, अगर आप वर्कआउट करने के तुरंत पहले पहले केला खाते हैं, सेब खाते हैं या कुछ भी आप अगर नाश्ता लेते हैं, तो ये आपकी बॉडी को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको वर्कआउट करना है तो आपको 40 मिनट पहले खाना पड़ेगा, क्योंकि तुरंत बाद अगर आप खाते हो तो आपको बॉडी को डाइजेस्ट नहीं होगी, जिससे आपको एनर्जी नहीं मिल पाएगी और अपने आप शिद्दत से जिम एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। दोस्तों, इससे अगर आप तुरंत बाद खाते हो तो आपकी बॉडी के जो एब्डोमिनल पार्ट्स हैं उसको नुकसान हो सकता है, आपके आंतों में सिकुड़न आ सकती है, आपके पेट में दर्द हो सकता है, आपके आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप जिम जाने के तुरंत पहले कुछ ना खाएं, मतलब कम से कम आधे घंटे से 40 मिनट पहले आप खा सकते हैं। सेकंड गलती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज करना। दोस्तों, आप बॉडी किस लिए बना रहे हो? अच्छा दिखने के लिए, अच्छे लुक के लिए, न कि आप किसी कंपटीशन में आपको जाना है। दोस्तों, अगर आप बॉडी कर अच्छे दिखने के लिए कर रहे हो तो आप मैक्सिमम 50 मिनट से एक घंटा, मतलब इससे ज़्यादा आपको वर्कआउट नहीं करना है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज करते हो, आप तीन तीन घंटे दो दो घंटे अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो इससे आपको बॉडी को नुकसान होगा। दोस्तों, आपका जो पसीना निकलता है ना, वो आपकी एनर्जी है। मान लो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स, उनको कंपटीशन में जाना है, वो लोग उतना डाइट लेते हैं, उतना डाइट फॉलो करते हैं, उनका शेक होता है, वेट गेनर शेक, प्रोटीन शेक, बहुत सारा शेक होता है, जिसकी वजह से वो उतना मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आप अगर नॉर्मली अगर आप जिम करो तो आप एक घंटे से ज़्यादा ना करो दोस्तों, क्योंकि अगर आप बहुत देर तक एक्सरसाइज करते हो, आप उतना कैलरी बर्न करते हो, तो उतना आपको लेना पड़ेगा, उतना आपको मेंटेन करना पड़ेगा दोस्तों। तो इसलिए आप एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा देर तक ना करें, क्योंकि आपको अगर बहुत ज़्यादा देर एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी क्या होती है, बॉडी जो सिकुड़न आ जाती है, आपकी जो मतलब चेहरा आपका ऐसे हो सकता है, आपके गाल पिचक जाएंगे, ऐसे बहुत देर तक एक्सरसाइज करोगे। दोस्तों, जब आप वर्कआउट करते हो, आप बहुत ज़्यादा जिम में पसीना बहाते हो, उसके बाद आपको क्या चाहिए? दोस्तों, आप वर्कआउट में आप अपने नसें तोड़ते हो, अपने मसल्स को तोड़ते हो, उसके बाद दोस्तों आपकी बॉडी को एक प्रॉपर डाइट चाहिए, उसमें फैट हो, कार्ब्स हो, प्रोटीन हो, सब कुछ चाहिए आपको भरपूर, तभी आपको जो आपने कैलरी बर्न किया है उसका आप मेंटेन करो, उससे ज़्यादा आप कैलरी लो, तब आपकी बॉडी अच्छी बनेगी, अच्छी पर्सनैलिटी बनेगी। दोस्तों, जो नेक्स्ट गलती है वो है, हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हैं। हम जिम में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो बंदा ऐसा कर रहा है, इतना वेट लिफ्टिंग कर रहा है, और मैं ये 5 kg कर रहा हूँ, 2 kg, 2.5 kg कर रहा हूँ। दोस्तों, आपको दूसरे से कंपेयर नहीं करना है, आपको खुद के ऊपर आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपकी आपके अंदर स्ट्रेंथ कितनी है, आपको वो सब देख के आपको मैनेज करना है। ऐसा नहीं कि वो बंदा 100 kg उठाया तो मैं भी उठाया, कल से हाथ टूट गया, कल से घर बैठना चालू कर दिया। दोस्तों, आपको ये सब नहीं करना, आपको किसी से कंपेयर नहीं करना आपको। दोस्तों, मैं तो कहता हूँ आपको बॉडी बनाने के लिए जिम जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे सब कुछ कर सकते हो। दोस्तों, आप डंबल रखो, आप घर पे पुशअप्स लगाओ, आप पुलअप्स लगाओ, सारी चीज़ आप घर पे कर सकते हो। अगर आपको अच्छी पर्सनैलिटी के लिए आप जिम जा रहे हो, आप अच्छी बॉडी के लिए जा रहे हो, तो आप घर पे वो सब चीज़ कर सकते हो। लेकिन क्या है ना दोस्तों, आज के लोगों का मतलब कि जो नए यंगस्टर्स हैं, लड़के हैं, उनका ट्रेंड बन चुका है कि जिम जाना है तो जाना है, चाहे वो वहाँ जाके बैठे हों, मस्ती करते हों, LED में पिक्चर देखते हों, लेकिन हाँ, घर से मतलब पता है कि हाँ, बंदा भाई जो है जिम करने जाएगा, वहाँ पर आके जाएगा। दोस्तों, ऐसा लोगों का ऐसा सोच है सिर्फ, लेकिन अच्छी बॉडी बनानी है तो आप घर पे बन सकते हैं, आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास पैसे हैं तो आप जाओ, आप कुछ भी करो, लेकिन ये गलती मत करो और आप एक अच्छी बॉडी बनाओ, यही मेरी कामना है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना।